हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जी के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता तुम्हारा आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीन भागों में। देखिए, मानव का मस्तिष्क यह तीन भागों में विभाजित होता है। पहला अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, और दूसरा मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम है प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के तीन प्रकार कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के तीन प्रकार हैं। पहला थैलेमस, और दूसरा प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम, और तीसरा है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परतें होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीन परत। देखिए, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर तीन परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क की। देखिए, ईईजी यानी इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम यह एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि से संबंधित समस्याओं को खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण यानी बदला नहीं जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क की। देखिए, मानव शरीर में मस्तिष्क यह पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजिंग में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेनिनजाइटिस रोग। देखिए, मेनिनजाइटिस रोग यह एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास सुरक्षात्मक परत को प्रभावित करता है, और यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रेनियम। देखिए, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं, और इसमें आठ क्रेनियल बोन्स यानी आठ हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम। देखिए, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है प्रामस्तिष्क यानी सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, थैलेमस में। देखिए, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति या थैलेमस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस।
देखिए मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। देखिए मानव मस्तिष्क में नींद को चक्र को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस यह मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पस कैलोसम। देखिए मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है सोचने के लिए और हृदय की गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1350 ग्राम। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेरिब्रम। देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर तीन परत कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए तीन परतें हैं, ड्यूरा मैटर और अरेकिनोइड और पाया मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरोलॉजी। देखिए मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए सेरे ब्रोस्पाइनल द्रव यानी सेरे ब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करता है मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्र कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टेम्पोरल लोब यानी कनपटी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क के तीन प्रकार कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए अग्र मस्तिष्क के तीन प्रकार हैं, सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क और थैलमस और हाइपोथैलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, थैलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। देखिए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स यह पाई जाती है मानव के मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में वह नियंत्रण केंद्र जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेडुला ओब्लॉन्गेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, थैलेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथ के श्रवण को भी नियंत्रित यही करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10। देखिए मानव कपाल में कुल 10 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए हृदय की धड़कन गति यह अनुकंपित तंत्रिका यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्ग्रंथनी संधि यानी सिनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाले रासायनिक को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तंत्र पेशियाँ यानी न्यूरो ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस या मानव मस्तिष्क का संवेगात्मक भाग क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण मस्तिष्क ज्वर और मेनिनजाइटिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी। देखिए तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।